हेलो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.5 पॉइंट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज नॉट ए स्विमर इज वन बाय फाइव यहाँ पे क्या कहा है एक स्टूडेंट को कंसीडर किया है वो स्विमर नहीं है उसको स्विमिंग नहीं आती है उसकी प्रोबेबिलिटी वन बाय दे रखी है देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ फाइव स्टूडेंट्स फोर आर स्विमर हमने किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी फाइव स्टूडेंट्स में से फोर स्विमर है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो भाई बिल्कुल सिंपल है यहां पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इज नॉट स्विमर नॉट स्विमर कि स्टूडेंट क्या है स्विमर नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी वन बाय फाइव दे रखी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इज स्विमर इज स्विमर कि स्टूडेंट स्विमर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन में से नोट की सबट्रैक्ट कर, कर लो फाइव माइनस वन क्या हो गया फोर बाय फाइव होगी ठीक है अब हमें क्या करना है अब हमें फाइव स्टूडेंट्स में से फोर स्विमर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ठीक है भाई तो देखो कैसे निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर आउट ऑफ फाइव आर स्विमर देखो क्या होगी टोटल स्टूडेंट फाइव है उसमें से फोर स्विमर है तो फाइव सी फोर हो गई अब देखो फोर स्विमर है स्विमर कितने के स्विमर की एक बच्चे की प्रोबेबिलिटी फोर बाय फाइव है तो फोर बच्चों की कितनी हो जाएगी फाइव की पावर फोर और एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो नॉट स्विमर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी वन बाय फाइव तो सिंप्लीफाई कर दो फाइव सी फोर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल फाइव अपॉन फैक्टोरियल फोर इन फैक्टोरियल फाइव माइनस फोर मल्टीप्लाई ये क्या आ गया फोर की पावर फोर अपॉन में फाइव की पावर फोर मल्टीप्लाई फाइव इसको सिंपलीफाई करो फैक्टोरियल फाइव को फाइव मल्टीप्लाई फैक्टोरियल फोर ये नीचे फैक्टोरियल में से 4 गया फैक्टोरियल मतलब ये हट गया वन ही होता है ये तो ये कट गया तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास फोर की पावर फोर अपॉन में फाइव की पावर फोर मल्टीप्लाई फाइव सिंपलीफाई करो फाइव मल्टीप्लाई फोर की पावर फोर अपॉन में फाइव की पावर फोर मल्टीप्लाई फाइव फाइव से फाइव कट गया फोर बाय फाइव की पावर फोर प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी कि फोर आउट ऑफ फाइव क्या होंगे स्विमर होंगे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा अब यहां पे देखो किस तरीके से ऑप्शन ना दे रखे हो तो ऐसे सोल्व कर देंगे बट आपको एग्जाम में देखना है ऑप्शन अगर दे रखे हैं तो ऑप्शन में हमारा यहीं पे छोड़ रखा है बच्चों के से। तो यहीं से हम आंसर मैच कर लेंगे ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा सोल आउट करना हो तो इस तरीके से सोल आउट करके भी आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्टा क्लासेस से आपको अगर सपोर्ट मिलती है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्लास एट्थ नाइन टेंथ इलेवंथ के बच्चों को ट्वेल्थ के बच्चों को भी नेक्सा क्लासेज के बारे में जरूर बताइए आपके इस सपोर्ट के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद कहूंगा थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्सा क्लासेज वीडियो